सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के फिशरीज डिपार्टमेंट पे, जहाँ पे रिसर्च सेंटर है। और यहाँ पे पीछे हम लोगों के आप लोग मछलियों के तालाब भी देख रहे होंगे, जहाँ पे कई वैरायटियों की मछलियाँ हैं। और मछली पालन से संबंधित विस्तृत जानकारी देने के लिए हम लोगों के साथ हैं डॉक्टर अनूप सचान सर हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मछली पालन किस तरह से फार्मर को करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएँ किसान और अच्छा मुनाफा कमा पाएँ। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो हम लोग पीछे मछली पालन देख रहे हैं, मछली के तालाब देख रहे हैं, तो पहले तो मैं यही पूछूंगा कि एक जो मछली पालक है, अगर वो शुरू करना चाहता है तो उसको कितने लंबाई चौड़ाई का, किस हिसाब का तालाब बनवाना चाहिए? सबसे पहले तालाब बनवाने के लिए उसे मिट्टी की जांच करनी चाहिए। मिट्टी की जांच अपने हिसाब से कर लेते हैं किसान भाई, जैसे है कि कहाँ तालाब बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए, कहाँ खर्चा ज़्यादा आएगा, कहाँ उससे लाभ होगा, कहाँ हानि होगी जी। तो सबसे पहले उसमें आती है मिट्टी की गुणवत्ता। मिट्टी जो होनी चाहिए वो चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए तालाब के लिए, क्योंकि उसमें पानी का रिसाव कम होता है। अगर पथरीली है, बजरीली है, रेतीली है मिट्टी, तो उसमें पानी का रिसाव बहुत होता है, तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर 3 दिन में पानी सूख जाता है, तो उसमें किसान को नुकसान होता है। तो पहली चीज़ तो मिट्टी की जांच करके देख ले कि बलुई चिकनी दोमट मिट्टी ही सर्वोत्तम मिट्टी होती है मछली के तालाब बनाने के लिए जी। अब दूसरी चीज़, वो किस तरीके से अपना मत्स्य पालन करना चाहता है, इस पर भी ध्यान देना है। कौन सी मछली पालना चाहता है, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है मत्स्य पालक के लिए। दूसरी चीज़, ऐसी मछली पाले जिसकी वृद्धि भी अधिक हो, और ऐसी मछली होनी चाहिए जो भी आप दाना दें, खाना दें, वो खा ले। तीसरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। तो इस तरीके की बाथान रख के हम मछली के बीज का चयन करते हैं जी। उसके बाद आती तीसरी चीज़ कि अब तालाब की तैयारी कैसे करें। जब उसके पास देखा मिट्टी भी सही है और मार्केट भी सही है, तो तालाब निर्माण के लिए आयताकार तालाब का पूरब से पश्चिम दिशा में बनाते हैं। तो जो सबसे उत्तम तालाब माना जाता है, 1 एकड़ का माना जाता है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे 1 एकड़ के तालाब हैं। 1 एकड़ के तालाब में ये होता है, मछली जितना दौड़ेगी उतना उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा और उसकी वृद्धि भी उतनी बढ़िया होती है जी। तो तालाब की गहराई लगभग 2 मीटर रखते हैं, मतलब 7 से 8 फीट से ज़्यादा गहरा तालाब नहीं होना चाहिए, जिसमें 5-6 फीट उसमें पानी रहना चाहिए परमानेंट। तो मछली पालन, अब मछली की प्रजातियों का चयन कैसे, कि मछली एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता ना हो, क्योंकि सब तरीके का भोजन खाने वाली मछली होनी चाहिए जी। तो जब हम तालाब तैयार करते हैं, आयताकार तालाब तैयार किए और बंधे का ढलान होना चाहिए बंधों में, नहीं तो क्या होता है जब ये हवाएं चलती हैं तो बंधे कट जाते हैं, तो सीधा बंधा नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ ढलान होना चाहिए ताकि तालाब के बंधे कटे ना। उसके बाद जब तालाब हमने बना लिया, उसके बाद सबसे प्रथम ये करते हैं कि तालाब की तलैटी की हल्की सी जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद उसमें लगभग 1 एकड़ के तालाब में 40 क्विंटल गोबर, कच्चा गोबर, 5-6 दिन पुराना भी होगा चलेगा, वो पूरे तलैटी में डाल देते हैं। डालने के बाद फिर हम बिना बुझा चूना जो होता है, बिना बुझा चूना लगभग 1 क्विंटल चूना 1 एकड़ तालाब में शुरू में हम छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है कि हानिकारक जो गैस होती हैं जमीन से भी निकलती हैं, जो ह्यूमिक एसिड गैस होती हैं, वो सारी चीज़ें अवक्षेपित हो जाती हैं। उसके बाद, और ये तैयारी हम जब करते हैं तो एक कैलेंडर बना लेते हैं कि हमें किस मंथ में क्या करना है, क्योंकि किसानों को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मानसून सीजन में ही मिल पाते हैं जी। अगर उसने दिसंबर में तालाब बनाना चाहा कि हम दिसंबर में वो करेंगे, तो बच्चे मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको वार्षिक कैलेंडर जो होता है उसको 4 भागों में बांट लेते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में उसको तालाब बना लेना चाहिए। तो जब इस महीने में तालाब बन जाएगा तो जून, जुलाई, अगस्त उसको बच्चा डालने का मौका मिल जाएगा, प्रबंधन करने का। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में उसको मछली का प्रबंधन करता है कि कैसे हमें फीड देना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद जो आता है महीना, उसमें वो मछली बेच सकता है। ये वार्षिक कैलेंडर होता है। तो जब हमने इतना उसमें चूना डाल दिया, गोबर डाल दिया, तो 1 फीट पानी भरते हैं ताकि मछली का प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाए। प्लवक, 2 तरीके के प्लवक होते हैं, जंतु और वनस्पतिक प्लवक। तो 1 फीट जब पानी भर देते हैं तो पानी सोख भी जाता है, और जो थोड़ा बचता है तो आपको जो चूना और गोबर डाला है उसमें
केवल आपको मिक्स कर देना है या पटेला टाइप का चला देना है या जाल चला देना है खाली पानी में, तब बच्चा आपको नहीं डालना है। तो वो सारा मिक्स हो जाएगा तो प्लैंकटन बढ़िया ग्रो होगा। उसके बाद फिर पूरा पानी भर देते हैं, 6 फिट तक पानी भर देते हैं हम पूरा तालाब में। 6 फिट पानी भरने के बाद फिर हम बच्चा, उसको मछली का बच्चा जो स्वस्थ बच्चा होता है उसको छोड़ते हैं। तो किसान भाई ज्यादातर गलती कहाँ कर देते हैं कि छोटे ही बच्चा वो तालाब में डाल देता है। छोटे बच्चे की मरने की संभावना थोड़ी सी हानिकारक गैस हुई या वो हुआ तो वो मर जाते हैं बच्चे। और जब एक बार पानी में बच्चा डाल देता है तो किसान उसको समझ नहीं पाता है कि बच्चा कहाँ गया या बच्चा उसमें बढ़ रहा है, वो भोजन दे रहा है तो किसको दे रहा जी। तो हमेशा किसान भाई को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब 30 से 40 ग्राम का हो जाए तभी उसमें डाले। तो उसमें क्या है कि उसकी संख्या को भी पता होगा, उसको भोजन कैसे देना है भोजन की मात्रा भी पता रहेगी। तो पहले एक नर्सरी तालाब, उसको एक छोटा सा नर्सरी तालाब बना लेना चाहिए जिसमें बच्चे को पाले। पहले बच्चे को पाले, जब बच्चा 30-40 ग्राम का हो जाए, 25 ग्राम का भी हो जाए, तो वो बच्चे की मॉर्टेलिटी जो होती है, मृत्यु दर, वो बहुत कम होती है। तो उसको पूरा अंदाजा रहेगा कि हमने कितनी कौन सी मछली डाली। अब मछली डालने के लिए प्रजाति का चयन जैसे बताए, तो प्रजाति के लिए जैसे मछली 3 कॉलम होते हैं पानी के जी। एक ऊपरी सतह होता है, एक मध्य सतह होता है, एक निचली सतह होता है। तो हमें तीनों सतह में रहने वाली मछली डालनी है। तो ऊपरी सतह में रहने वाली मछली 2 मछली होती हैं, सिल्वर कार्प और कतला। कतला, सिल्वर कार्प और कतला में ये प्रतिबंधता होती है कि सिल्वर कार्प फाइटोप्लैंकटन खाती है, कतला जूप्लैंकटन खाती है और ये ऊपर रहती हैं। अब मान लो आपने कतला और सिल्वर कार्प डाल दिया तो नीचे जो भोजन है उसको कौन खाएगा। तो जो मध्य में मछली होती है वो रोहू, सबसे ज़्यादा बाजार में इसकी डिमांड है, मांग है, तो उसको मध्य कालम में के लिए पाल सकते हैं, संचित करते हैं। अब नीचे के कालम में जो तलैटी में है 2 मछली होती हैं, नैन और कामन कार्प, ये जो भी नीचे मटेरियल होता है उसको खाती रहती हैं। फिर एक मछली होती कि आपके तालाब जब आप बनाए तो उसमें कई तरीके की घास भी उगती है जी, सफाई भी रखनी पड़ती है, उसके लिए होती ग्रास कार्प जो घास ही खाती है मछली, तो उसको भी। तो इन तरीके के 6 तरीकों की मछली को एक तालाब में डाल सकते हैं, एक तालाब में आप पाल सकते हैं। तो इसको हम समन्वित मत्स्य पालन कहते हैं कि भोजन का भी यूटिलाइजेशन सही से हो जाए और जो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी है या पांड का जो एनवायरनमेंट है वो भी सही बना रहे। क्योंकि अगर आप मान लो जूप्लैंकटन खाने वाली तो फाइटोप्लैंकटन बढ़ जाएगा, आप भोजन दे रहे हैं अगर बॉटम वाली मछली नहीं है तो पानी में सड़ान ज्यादा हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सर ये जो आप प्लैंकटन बता रहे हैं ये कैसे तैयार होता है, उसके लिए कुछ डालना पड़ता है ये अपने आप तैयार हो जाता है? प्लैंकटन तैयार करने के लिए जो कच्चा गोबर है आपका जी जी, इसी से तैयार होता है। अच्छा, इसमें आपको करना ये होता है कि देखो 2 तरीके होते हैं कि आप प्लैंकटन तैयार करने के। अगर आप सक्षम हैं तो एक अलग से एक सीमेंटेड टैंक बना लिए 4x2 मीटर का जी, 4x2 मीटर का बना लीजिए, उसमें 1/3 गोबर भर दीजिए। 1/3 गोबर भरने के बाद उसमें लगभग, तो 1/3 गोबर जब आप भरेंगे तो लगभग 25-30 कुंटल उसमें गोबर आ जाएगा। तो जब वो गोबर उसमें आ जाएगा तो उस गोबर में थोड़ा सा 1 कुंटल लगभग सरसों की खल डाल देते हैं जी, और लगभग 20 किलो उसमें गुड़ डाल देते हैं जो बेकार गुड़ हो, और NPK खाद होती है लगभग 5-6 किलो खाद वो डाल देते हैं। उसके बाद पूरा पानी उसमें भर देते हैं, 8-10 दिन में प्लैंकटन बढ़ जाता है वो। तो आप अगर तालाब में ये चाहते हैं कि गंदगी न जाए, प्लैंकटन ही केवल हमें जाए, तो आप उसका पानी तालाब में डालते रहिए। तो तालाब के बगल में ये टैंक बना लीजिए, आप रोज 30-40 बाल्टी पानी तालाब में डालते रहिए तो वो उसी में बढ़ता रहेगा प्लैंकटन, और जो गंदगी है वो नहीं जाएगी। तो जितना पानी आपने डाला फिर उतना पानी उसमें भर दीजिए, तो वहाँ भी प्लैंकटन बनता रहेगा, तालाब में भी प्लैंकटन जाता रहेगा। तो इससे आपकी जो गोबर की जो हानिकारक गैसेस हैं उससे बच जाते हैं। या सीधे आप गोबर, आप थोड़ा थोड़ा गोबर डालते रहिए कि हर महीने में एक बार गोबर डाल दीजिए, रोज नहीं डालना है, हर महीने में एक बार गोबर, आप 5-6 कुंटल गोबर हर महीने डालते रहिए, उसको मिक्स कर दीजिए तालाब में, तो उससे भी प्लैंकटन बनता रहता है। तो ये प्राकृतिक भोजन के लिए इसका उपयोग करते हैं। हाँ सर, जैसे आप बताए कि 25 से 50 ग्राम तक की मछली हमें तालाब में डालना चाहिए, तो मछली डालने के बाद उन्हें खाने के लिए क्या देना चाहिए, और लगभग ये जो आप 5-6 प्रकार की हमें वैरायटियां बताए, किस्म बताए कि ये मछलियों की प्रजाति है जिनको आप एक तालाब में पाल सकते हैं, तो इनके ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती हैं?
जब आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, अच्छी आमदनी करना चाहते हैं, अच्छा आय बढ़ाना चाहते हैं, तो भोजन मुख्य विषय होता है जी। आज की डेट में क्या है कि आप बाज़ार से भोजन ले रहे हैं तो कोई भी भोजन आपको 40 रुपए के नीचे नहीं मिल रहा है। तो सबसे प्राथमिकता ये दी जाती है अच्छी गुणवत्ता का भोजन हो, विश्वसनीय हो। तो उसके लिए जो मत्स्य पालक हैं वो अपने घर में ही भोजन तैयार कर सकते हैं। जैसे उसे 40 किलोग्राम सरसों की खली लेनी है, 40 किलोग्राम उसे चावल की पालिस लेनी है, और उसमें लगभग 10 किलोग्राम मछली का चूरा आता है, और 10 किलोग्राम मोटा अनाज, जो भी ज्वार बाजरा जो सबसे जौ हो, तो उसको 10 किलोग्राम वो मिक्स कर देना चाहिए। तो एक कुंटल ये लगभग भोजन तैयार हो जाता है। इसको पीस के आप मछली को खिला सकते हैं। जो एक एकड़ का तालाब होता है उसमें लगभग कितने बच्चे से डालना चाहिए मछली? हाँ, मछली का एक अंदाज़ा ये मतलब एक अनुमानित जो है वो ये चीज़ मानी जाती है कि एक स्क्वायर मीटर में एक मछली होनी चाहिए। तो एक एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर है, तो आप 4 से 5000 बच्चे डाल सकते हैं, एक साल में डाल सकते हैं। अच्छा, और उनके जो आप बताए कि 100 किलो का ये भोजन तैयार हो जाता है, तो इसको दिन में एक बार में देना चाहिए या दो तीन बार में देना चाहिए? दो बार देना चाहिए जी। जब 25 ग्राम की आप मछली डाल रहे हैं तो भोजन दो बार देना चाहिए। भोजन कितना दिया जाता है एक मौलिक नियम है जी, कि कोई भी जंतु जो है वो लगभग 1.5 से 2% अपने वजन भार का भोजन खाता है। तो 1.5 से 2% हम भोजन मान के चलते हैं कि जो कृत्रिम भोजन है 1.5 से 2% हमें देना है। तो जब हम मछली डालते हैं, जैसे 30 ग्राम की मछली डाले और 4000 मछली डाले, तो लगभग ये 120 किलोग्राम मछली हो गई जी। तो 120 किलोग्राम का 1.5 से 2% निकाले तो कितना हो गया, 2.5 kg हो गया, 2.5 किलोग्राम लगभग भोजन आपको प्रतिदिन देना है। और फिर इसी अनुमान से जैसे जैसे वजन बढ़ता जाए, जैसे वजन बढ़ता है, फिर हमने 10 मछली तोड़ ली, फिर हम पूरे का वजन निकाल लिए, फिर भोजन बढ़ा दिए। तो ये मौलिक नियम है भोजन देने। अच्छा सर, हमें ये भी बताएं कि एक एकड़ में अगर मछली डाल दी है और 6-7 महीने बाद जब वो लगभग 800 ग्राम एक किलोग्राम की तैयार हो गई, तो लगभग कितना उत्पादन हो जाता है? देखिए, जब हम 25 से 30 ग्राम की मछली डालते हैं तो साल भर में जो औसत वजन आता है वो 800 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक का आता है। तो लगभग हमने 5000 एकड़ में मछली डाली है, 5000, तो उसका और जो उत्पादन लगभग आएगा वो लगभग 4 टन के करीब आएगा, 40 क्विंटल जी, अगर वो अपना प्रबंधन बढ़िया से करता है। अब ये नहीं कि हमने मछली डाल दी, न दाना दे रहे हैं, न खाना दे रहे हैं, न दवा दे रहे हैं, न कुछ दे रहे हैं, तो मछली कैसे बढ़ेगी जी। तो ये भी तो लगभग 35 से 40 क्विंटल मछली एक एकड़ में वो आराम से ले सकता है। इसमें जो कुल लागत आती है तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये लागत आती है साल की, और बाकी उसका जो बेच लेता है वो प्रॉफिट होता है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे आप दवा की बात किए, तो मछलियों में कोई रोग भी लगता है जिसका देख रेख करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए? हाँ, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मछलियों में 3-4 तरह के रोग लगते हैं। मछली में रोग किसी में भी लगते हैं तो सबसे पहला कारण ये होता है जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है जी, जो हमारा वातावरण है, चाहे जिस चीज़ में हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, वातावरण जब चेंज होता है तो रोग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे हम ही हैं, अब गर्मी है, उसके बाद हमने ठंडा पानी पी लिया तो जुकाम होने लगेगा। तो इसी तरीके से हर जीव जंतु में इस तरीके से संभावनाएं होती हैं। तो पहले हमें ये ख्याल रखना है कि रोग ना लगने पाए, तो उसके लिए मतलब हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो रोग ना लगने के लिए क्या होता है कि जैसे तालाब में है, अब मछली मलमूत्र भी त्यागेगी तो उसमें क्या होगा, हानिकारक गैस नीचे बनेगी, तो वो गैस नीचे बनेगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी जी। तो उसके लिए क्या करते हैं, बिना बुझा चूना जो होता है, हमें हर महीने में एक बार या दो चीज़ें होती हैं। एक जियोलाइट आता है, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको एक महीने में डालते हैं। तो एक अंतराल के बाद, एक इस महीने में हमने जियोलाइट डाला तो अगले महीने में हमें 50 किलो बिना बुझा चूना डालना जी। तो उससे क्या होता है, जब चूना नीचे जाके वो खौलता है तो वो हानिकारक गैस बाहर निकाल देता है, और उसके बाद हर महीने में हमें एक बार जाल चलाते रहना तालाब में, ताकि हानिकारक गैस जो है वो बाहर निकल दे। पानी जब फटता है तो वो बाहर निकल जाती है, तो रोग इससे नहीं लगता है। दूसरा, जब मौसम परिवर्तित होता है तो सबसे ज़्यादा रोग लगने की परजीवी रोग जो होता है, जैसे जुआ लग जाता है ना जी, तो मछलियों में भी जुआ लगता है। अच्छा, जिसको बोलते हैं आर्गुलस रोग,
तो वो एक जुआ ही होता है, जैसे जानवरों में लग जाता है या पशुओं में लग जाते हैं जुआ, तो उस तरीके से मछली में भी जुआ लग जाता है, आर्गुलस बोलते हैं। तो आर्गुलस जब मौसम परिवर्तित होता है और पानी सड़ने लगता है तब उसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं लगने की। तो उसके लिए होता है कि जो साइपरमेथ्रिन दवा आती है, साइपरमेथ्रिन बेस होता है, जैसे ब्यूटॉक्स है, क्लीनर है, टेकआउट है, तो लगभग एक एकड़ में 125 ml उसको डालना होता है। कई बार किसान होता है तो हमने जैसे कह दिया कि 125 ml डालना है, तो उसने क्या किया, पानी में मिलाया, डाल दिया। होता क्या है कि वो जो बेंजीन तत्व होते हैं उसमें मिक्स करके बनाया जाता है, तो पूरा पानी पे तैरने लगेगा और बहुत खतरनाक जहर होता है वो। तो वो जब हवा चलेगी पानी में तो एक किनारे इकट्ठा हो जाएगा, फिर मछली वहाँ जाएगी तो मरने लगेगी। इसके लिए करते क्या है कि जो बालू होती है, रेता जिसे बोलते हैं, तो लगभग 10-15 किलोग्राम रेता लेते हैं, उसमें उसको मिक्स कर देते हैं उस दवा को, फिर वो रेता ऐसे बखेर देते हैं उसमें तालाब में। तो उससे क्या होता है कि वो रेता नीचे तक जाता है ज़मीन में, और ज़मीन में उसके अंडे होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं और पूरे तालाब में दवा मिक्स हो जाती है, तो उससे वो रोग ख़त्म हो जाता है। नहीं, और उसके बाद जब रोग बढ़ जाता है आर्गुलस का, तो फिर घाव हो जाते हैं, फिर उसमें बैक्टीरिया भी लगता है, वायरस भी लगता है, तो ये रोग लगने की संभावना। तो ऐसे वो रोग को निदान कर सकता है। तो ये हम लोग साथ डॉक्टर अनूप सर थे, जिन्होंने मछली पालन का तालाब बनाने से लेकर और उत्पादन लेने तक विभिन्न प्रकार के रोग और एक विस्तृत जानकारी दी है कि फार्मर अगर सर को सुन रहा है तो अगर वो करना चाहता है तो एक एकड़ में शुरू करके और किस तरह से वो एक प्रक्रियावार चीज़ों को करके और एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और छोटी से छोटी जानकारी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी हमारे किसानों को, दर्शकों को दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।